तो हे गाइस, आज बात करेंगे बलोना के बारे में। सुजुकी की तरफ से आती है 1.2 लीटर विथ 3 सिलेंडर मिलती है। यहाँ पर एक लाइट मिलती है, फॉग लाइट नीचे दी हुई है, येलो लाइट मिलेगी यहाँ पर। यहाँ पर क्रोमिंग की फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पर से पूरा यहाँ तक लेके पूरा क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पर से अलग से आफ्टर मार्केटिंग कराई गई है। अगर टायर की साइज की बात की जाए तो टायर है 195/55 R16, 16 इंच के लेवल से। आगे डिस्क, पीछे ड्रम मिलती है। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगी। पीछे इस कार कुछ ऐसे दिखती है। यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ पर लाइट मिल जाएगी। यहाँ पर नेक्सा का वेरिएंट मिल जाएगा, डिफोगर मिल जाएगा, वाइपर मिल जाएगा पीछे, सुजुकी का लोगो यहाँ पर। यहाँ पर बलेनो मिल जाएगी, यहाँ पर सेंसर मिल जाएगा, यहाँ पर कैमरा दिख जाएगी, यहाँ पर सेंसर। यहाँ पर भी पूरा क्रोम की फिनिशिंग दी गई है यहाँ से यहाँ तक। कार की लुक की बात की जाए तो कार कुछ ऐसी दिखेगी, साइड लुक काफ़ी अच्छी दिखती है। यहाँ पर ये, यहाँ पर वाइपर मिलेगा। फ्रंट से कुछ ऐसी लुक दिखती है इस कार के, बलेनो की। इसकी कुछ ऐसी मिलेगी, लॉक अनलॉक इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आपकी कभी बैटरी कम हो जाए तो यहाँ पर से आप की निकाल सकते हैं, इसको प्रेस करके खींच के इस तरीके से। अब ओनर से बात करेंगे, उनकी उनकी पहली कार है, ये है उनके ओनर। तो क्या नाम है आपका? शुभम। तो भाई, आप कैसे प्लान बनाए कि आपको बलेनो ही लेनी है? मुझे स्विफ्ट और बलेनो दोनों में से कुछ एक लेना ही था, तो मैंने देखा कि स्विफ्ट से ज़्यादा बढ़िया मुझे बलेनो लगा। जब शोरूम गया तो वो लोग भी बोले, तो भाई बोलते हैं आदमी की सुजुकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो आप बलेनो। नहीं ठीक है, पता नहीं अभी कैसा है बिल्ड क्वालिटी, अभी तक तो अभी नया गाड़ी है, पता नहीं चला, अभी पिछले ही साल लिया है और लॉकडाउन, तो आप जान ही रहे। आपकी फर्स्ट कार है? हाँ फर्स्ट कार है। अब गाड़ी के अंदर चल के फीचर्स बताते हैं। आप सेंसर दी गई है, आप इसे क्लिक करके और लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो लॉक करने के लिए तो अंदर चलते हैं। आगे की लुक ऐसी दिखेगी। यहाँ पे RPM दिया हुआ है, 8000 RPM तक दिया हुआ है क्योंकि ये पेट्रोल कार है। यहाँ पे लाइट और लाइट से कर सकते हैं, अगर पीछे से लाइट है ग्रीन कर देती है। यहाँ पर ऑटो का दिया हुआ ऑप्शन। 4 AC दी हुई है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। साउंड स्पीकर 4 दिया हुआ है चारों डोर पे। ये भाई हैंडरेस्ट तो नहीं मिलती, आपने आफ्टर मार्केट करा रखा है क्या? हाँ, बाहर से लगवाया है। कितनी पड़ गई थी ये? लगभग 1500-2000। काफ़ी सस्ती मिल गई। और ये एंड्रॉयड चाहिए? एंड्रॉयड और कैमरा भी मैंने बाहर से ही लगवाया है। कितनी पड़ गई थी आपको ये? 7,500-7,000 रुपये पड़ गई थी। कैमरा की अगर बात की जाए तो कैमरा कुछ ऐसे दिखेगी। साउंड क्वालिटी कैसी है भाई इसकी? बढ़िया है, साउंड क्वालिटी बढ़िया है। यहाँ पर ऐसी लाइट मिलेगी, येलो लाइट है दोनों पे। यहाँ पे एक टिकट होल्डर मिलेगी, बस कुछ नहीं। यूएस साइड देखा जाए तो यहाँ पर एक मिरर मिलती है, मिरर है। लाइट का ऑप्शन नहीं मिलती है, बस मिरर मिल जाएगी। एसी आप कुछ रिग्रेट नहीं करती है क्या भाई? नहीं नहीं ठीक है। रियर के, रियर में तो कुछ ऐसी नहीं दी हुई है? फिर पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अकेला ही चलता हूँ ना। बोनेट नहीं दिखती भाई? तो हाँ, बोनेट तो नहीं दिखती इसमें। कार है ना, कार में कहाँ। हैचबैक कार की काफ़ी कम ही कार में बोनेट दिखती है। इतने ऊपर करो फिर जाके बोनेट दिखेगी। प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक की फिनिशिंग यहाँ दी गई है। यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ की मोड दिखेगी। यहाँ पर AC के, यहाँ पर फैन का कंट्रोल अनकंट्रोल, यहाँ आगे की, यहाँ पर से हवा जाएगी। यहाँ पर आपको 12 वाट के आपको चार्ज करने मिलेगी। यहाँ पर कनेक्टर मिलेगी फास्ट चार्जिंग का, यहाँ पर जेक मिलेगा। यहाँ पर कप होल्डर मिल जाएंगे, काफ़ी यहाँ स्पेस है। यहाँ पर हैंड रेस्ट, यहाँ पर 5 गियर स्पीड, 1 रिवर्स के। ग्लव बॉक्स से अगर बात की जाए तो काफ़ी ठीक ठाक स्पेस बोल सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं, सामान रख सकते हैं। अब रियर में जाके बताते हैं कैसी लगी स्पेस है। तो चलिए चलते हैं पीछे। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट और आगे पीछे करने के यहाँ पर ऑप्शन है सीट के। यहाँ पर सीट बेल्ट दी गई है,
यहाँ पे फ्यूल कैम खोल सकते हैं, यहाँ से बोनेट खोल सकते हैं, यहाँ पे लाइटनिंग है, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन। अब यहाँ पर सर रियर स्पेस की बात करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर दी गई थी, मतलब सीट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ की दी गई है, यहाँ पर क्रोम की फिनिशिंग दी है ओपन के, लेग स्पेस स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर भी लाइट मिल जाएगी येलो वाली, यहाँ पर हैंड रेस्ट है, यहाँ पर 12 वाट की यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पर एक हाफ लीटर की आप यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर बंद करने की, यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग की, यहाँ पर लॉक अनलॉक, यहाँ पर एक मिलेगा, चार साइड हेडरेस्ट की दी गई है, चार ही हेडरेस्ट दी गई है। अगर आपकी हाइट क्या होगी भाई? 5 फीट 9 इंच। 5'9" की है तो उनके हिसाब से हाइट ठीक ठाक है, 6 फुट के बंदा का हाइट मतलब सीट टच हो सकती है, काफ़ी है इतनी हाइट, इंडिया में इतनी हाइट वैसे होती नहीं है 6 फीट। हाँ भाई, आगे डैशबोर्ड की कुछ ऐसी दिखती है यहाँ से पीछे साइड से। ये आपने आफ्टर मार्केट करा रखा है? ये शोरूम में किया था, शोरूम से ही, मतलब जो कंपनी देती है वो तो नहीं है। यहाँ पर भी हार्ड प्लास्टिक फिनिशिंग दी गई है, यहाँ पर भाई ने आफ्टर मार्केट करा रखा है, यहाँ पर तो भी हार्ड प्लास्टिक दी जाती है। तो चलिए अब अच्छी की बात करते, बूट स्पेस कितनी है? यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर रहता है बूट स्पेस खोलने के लिए, कुछ बूट स्पेस इसकी ऐसी है, स्क्रीन में शो हो रही होगी कितनी बूट स्पेस है, इतनी है, बंद कर देते, यहाँ पर सब खोल सकते हैं। अब इंजन तरफ चलते हैं, इंजन तरफ क्या मिलेगी तो इंजन खोल के दिखाते हैं। पावर की आपको कमी नहीं लगती पेट्रोल कार आपने ले लिए इतना 8 लाख के अंदर में? तो रनिंग ही मेरा ज़्यादा नहीं है ना। अच्छा, तो आपकी भाई सर्विसिंग कितनी आ जाती है? सर्विसिंग 10,000 के अंदर आ जाती है, मतलब आपकी तो तीन में तो आपकी तो इंश्योरेंस ही वाली रहेगी, चौथी सर्विसिंग की बात कर रहे क्या? अच्छा, यहाँ पर 1200 cc भी 4 सिलेंडर मिल जाएगी, यहाँ पर बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आइसोलेशन के लिए भी दी हुई है, यहाँ पर बैटरी की सबकी ऑप्शन दिख जाएगी, कुछ ऐसे दिखेगी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो भाई अभी तक आप कितने लंबे ट्रिप मार चुके हैं? खूटी से पूरी लगभग कितना किलोमीटर होगा? खूटी से पूरी 512 किलोमीटर लगभग। 500? हाँ वही लगभग। तो परफॉर्मेंस कैसी लगी थी, कहीं पर लैग किया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, पेट्रोल गाड़ी में आपको लैग नहीं लगा? नया गाड़ी है ना। अच्छा, पुराने को आप पता चलेगा। तो आप लोग कितने को गए थे? हम लोग 4 लोग गए थे। अच्छा, तो भगाने में काफ़ी मजा आया होगा? बहुत बहुत। तो भाई आपको माइलेज कितनी दी गई होगी? कंपनी तो बोलता है 20, लेकिन देता नहीं, जैसे कि आप जानते ही है कंपनी का बोलना। आजकल में गए थे क्या? 17? नहीं, आजकल में नहीं गए थे, ये लॉकडाउन से पहले। तो कितनी माइलेज दे देते? 17 लगभग। 17? ठीक है भाई, इतनी लंबी कार है 17 ठीक ही है। यहाँ पर 37 लीटर वाली फ्यूल टैंक दिख जाएगी। तो भाई आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।